और जो पीछे से एक बीजीएम आ रहा है करके, जैसे कि मतलब बहुत भूखा हो, आने मतलब वाला है इसमें कोई स्टोरी का तो आता पता नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तानी वो जो स्टार्टिंग में वो डायलॉग बोलते देखो पेन वाले ही लेते हैं साउथ की पिक्चर है, लेकिन हाँ। अभी ऐसा हो गया कि पेन वाले ने इतनी साउथ की पिक्चरें ले ली और इतनी सारी फ्लॉप हो गई है, तो हमारे जयंती भाई भी थोड़ा डर रहे हैं, फुक फुक के कदम रख रहे हैं। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा की आने वाली फिल्म मार्टिन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये पहला ट्रेलर है जो उन्होंने रिलीज किया है। पिक्चर आने वाली है अक्टूबर में। हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू समृद्ध को आज मैंने ज्वाइन किया, हम तीनों ने देखा है ये ट्रेलर ऑफ मार्टिन। शुरू करेंगे हमारे गोलू से, इन द ब्लैक कैप, माय गॉड द रियल लव बोट। ओके, कैसे लगा ये ट्रेलर ऑफ मार्टिन? सर जी मैं बोलूं सर, बहुत मतलब एकदम यहाँ ना यहाँ छाती पे एकदम ज्यादा ही वजन डाल दिया इन्होंने, मेरे को ऐसा लगा। मतलब बहुत हैवी एक्शन पैकेज थ्रिलर होने वाला है कुछ तो एकदम जबरदस्त। और सबसे डेंजर की बात तो मैं फिर यही बोलूंगा कि वो बंदा हमारा इंडियन है, बट रियल लाइफ में हमने देखा उनको कितने एकदम डिसेंट और शांत आदमी है, लेकिन ट्रेलर में हम जो देखे, टीजर में जो हम देखे, पूरा तहलका था सर जी, पूरा तहलका था। हाँ लगता पूरा पाकिस्तान खा जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा लग रहा था सर जी, उसके दो आंख तो खुली हुई है, शायद तीसरी आंख भी खुल जाएगी तो पाकिस्तान भस्म। तौबा तौबा, ऐसा ना हो। लेकिन वो ट्रेलर में सर ऐसा देख रहा है ना, और जो पीछे से एक बीजीएम आ रहा है करके, जैसे कि मतलब बहुत भूखा हो, मतलब ऐसा लग रहा है खाना छोड़ के वो दुश्मनों को ही खा जाएगा मारते मारते, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान भस्म हो जाएगा गदर 3 में, हम वापस अनिल शर्मा कहाँ से लेके आएंगे लड़की? अफगानिस्तान से लेके आएंगे। हाँ सर, बहुत है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, टर्की, बहुत कुछ है, लेकिन जो कैसा पार्ट बाजू में रख सर जी, बहुत एक्शन हाई था, एकदम मजा आ गया भाई। मैंने हमारे यश भाई को देखा है कि वो कलश निकाल जो और क्या चलाते हैं, छोटी माँ करके एक गन चलाते हैं KGF में, उसका पूरा जो रॉड रहता है सर जी साइलेंसर, वो पूरा इतना फायरिंग होने के बाद जो जल जाता है, रॉकी भाई उससे सिगरेट जलाते हैं, लेकिन हमारे ध्रुवा सज्जा भाई ऐसे हैं कि उसको इतना फायर किया टैंक को, हाँ उसके ऊपर खड़े हो गए, मतलब बोलो भाई, मतलब तुम सिगरेट जला सकते हो, मैं इससे सिगार जलाऊंगा। उसमें मेरे को लग रहा है शायद फीमेल कोई है ही नहीं, और मेरे को मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने अन्वेषी जैन का थोड़ा ग्लिम्स देखा, क्योंकि वो आती है तो थोड़ा अलग दिखता है, स्क्रीन प्रेजेंस रहता है, हमेशा से अच्छी लगी है। तो मैं दिल बहलाऊं तेरा गंदी बात से। नहीं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर सर जी, जितना जबरदस्त टीजर था ना सर जी, ऐसा लग रहा था पूरी पिक्चर टीजर में ही आ गई, ट्रेलर तो आएगा नहीं, डायरेक्ट पिक्चर देख ली, लेकिन यहाँ पे हम गलत साबित हुए। अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इतना मिक्स रिव्यू भी आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और बहुत लोगों को आ भी रहा है। मैं बोलूंगा कि यार पिक्चर मेहनत लगी है बनने में, और इतना हैवी एक्शन आदमी है, एक बार तो बनता है बॉस। ओके, गोलू ने दे दिया है जय सैंडलवुड, जय सैंडलवुड, ऑल द पॉइंट्स टू ध्रुवा सरजाज मार्टिन। ट्रेलर अच्छा लगा है, जबरदस्त पहला कट दिया है। समो यस सर, व्हाट इज इट, कैसा लगा ये ट्रेलर? सर मैं तो बोलूं ना, सनी देओल के टक्कर में ध्रुवा सरजा आ गए सर। ओके ओके, मैं तो बोलूं ना सर, अनिल शर्मा ने ध्रुवा सरजा को है ना एक बार अप्रोच करना चाहिए गदर 3 के लिए भाई। मतलब बोलते ना, कन्नड़ा इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड एक साथ आए ना, बॉक्स ऑफिस फाड़ देगा भाई, मैं तो बोलूं। और सर एक बोलते ना वो डायलॉग है ना सर, कि डोंट टीच फादर हाउ टू फायर अ बॉक्स ऑफिस, ऐसा बोल सकता हूँ सर कि ध्रुवा सरजा ये मार देगा। ये अक्टूबर के टाइम पे ध्रुवा सरजा आई, वो सब जगह पे खाया जाएगा, इसलिए मार्टिन डायलॉग ने बता दिया है कि बाप तो हम ही है। एग्जैक्टली, बाप तो हम ही है यार, क्योंकि हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम भी नहीं है यार। क्या बात है। और मार्टिन ऐसा ट्रेलर, ये ट्रेलर 1 था, लेकिन ट्रेलर 1 तो ये साला ट्रेलर नहीं लगा मुझे, पूरा वो स्केल ही दिखा दिया उन्होंने, कि पूरा वो एक एक्शन पैक रहने वाला है, इसमें कोई स्टोरी का तो आता पता नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से सिगार जलाता है, और वो जिस तरह से एक्शन, और वो कुत्ते वाला जो शॉट था ना, वो एंडिंग का जबरदस्त। हमारे समूह ने भी वेब सीरीज बनाई थी कुत्ते पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली कुत्ते वाला हाइलाइटेड शॉट लगा है सब भाई। मो सच्ची में जब वो बिस्किट खाया भाई, मैं बोल दिया ये खत्म, बोलते हैं साला लड़की को किसने के कुत्ते को लेकर खाया ना, खत्म उधर यार। मुझे कुछ यूनिकनेस दिखा, कुछ अलग ही देखने को मिला, कि कुत्ते लोग के साथ ऐसा शेर, तो ये सच में शेर है ये ध्रुवा सरजा यार। बहुत अच्छा आ रहा है रिपोर्ट हमारे दोनों मुंबई के टू इडियट से। ये ट्रेलर देखो, मैंने भी देखा,
जैसे समूह ने बोला मैं एग्री करता हूँ कि स्केल दिखाया है इन्होंने, लेकिन डायलॉग्स की कमी थी, एक्शन की कमी थी, कि हमको देखना था कि एक्शन प्रिंस यार ध्रुवा सरजा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ एक्शन करते हुए दिखाना चाहिए। इन्होंने गाड़ियां उड़ते हुए दिखा दी, फिर टैंकर पे चढ़ के यू नो उनका जो एंट्री शॉट था वो ऐसा वाला मुंडी करके जो आते बाहर पाकिस्तान के जेल से, मतलब जितने भी ओवरऑल दिखाया है ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जो उम्मीदें थी मेरे को ट्रेलर से वो मेरे को देखने नहीं मिला। डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि टीजर ज्यादा अच्छा था, बहुत जबरदस्त। ट्रेलर देखने गया ना तो मैं इतना ही बोलूंगा कि टीजर में ही ज्यादा डायलॉग्स थे सर, मेरे को अभी याद आया कि टीजर में ही ज्यादा डायलॉग्स थे, लेकिन ये ट्रेलर वन था इसमें स्केल दिखा है, ट्रेलर टू में थोड़ा और अच्छे तरह से दिखाएंगे क्योंकि हीरोइन में साला वो पता एक सेकंड में हीरोइन कब आई कब गायब होगी कुछ समझ भी नहीं आया। हाँ, अन्वेषी की थोड़ी सी गंदी बातें दिखानी चाहिए थी कि क्या कर रही है पिक्चर में, है ना। एक और हीरोइन है वैभवी शांदल्या, या इधर की है बॉम्बे की मराठी मुलगी है, तो उसका भी कुछ और झलकिया यू नो ट्रेलर में थोड़ा सा होना चाहिए था, शायद आइटम नंबर होगा। ओवर एंड ओवर ये एक पूरी कमर्शियल पिक्चर है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है वहाँ के उदय मेहता, उन्होंने ये पिक्चर बनाई है, और साउथ में आज भी वो ट्रेंड चलते हुए आ रहा है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का, कॉरपोरेट वाले आज भी घुस नहीं पाए हाँ वो एक बहुत अच्छी बात है। तो हम तो विश करेंगे उदय मेहता और पूरे मार्टिन के टीम को कि पिक्चर हिंदी सर्किट में बम्पर चले जल्दी से जल्दी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिले। हिंदी सर्किट में अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर मिला नहीं है, शायद से पेन मोस्टली तो देखो पेन वाले ही लेते हैं साउथ की पिक्चर है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि पेन वाले ने इतनी साउथ की पिक्चरें ले ली और इतनी सारी फ्लॉप हो गई है, तो हमारे जयंती भाई भी थोड़ा डर रहे हैं, फुक के कदम रख रहे हैं। जयंती लाल गड़ा है ना, मैं ऐसा बोलता हूँ ना, जयंती लाल गड़ा थोड़ा स्मार्ट है क्योंकि उन्होंने ट्रिपल आर जब डिस्ट्रीब्यूट की थी ऑल ओवर वर्ल्ड चली थी बस, तो मुझे तो ऐसा लगता है ध्रुवा सरजा भले अभी अननोन है बहुत लोग के, लेकिन इसमें मिल का पत्ता साबित हो सकता है। अ वेरी हम्बल स्टार, बहुत ज्यादा हम्बल है, जैसे हमारे रॉकी भाई है वहाँ के यश रॉकिंग स्टार यश, उसी की तरह ये भी यू नो द मोस्ट हम्बल स्टार फ्रॉम कनाडा इंडस्ट्री। लेकिन सर मैं ना ट्रेलर लॉन्च का जब मैं देखा था ना, मुझे लगा आएंगे धाड़ के, लेकिन ना यार बिल्ली बन के एकदम ऐसे आए, मतलब ये क्या हो गया सर, मजा आ गया। देखो हम भी रिक्शा में गए थे वो लॉन्च, नहीं नहीं वो रिलेट हुई चीज है, क्योंकि ऐसा आम आदमी की तरह तुम अगर ट्रैवल करते हो या फिर वो फील दे देते हो ना आम आदमी को कि यार मैं भी कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ, ऐसे लोग सर आसमान छूते। और एक्चुअली जब मुंबई आए, बॉम्बे में पहला आके वड़ा पाव खाए सर, सबसे बेहतरीन मुंबई से आवड़ता। जैसे इन्होंने बोला कि बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज करते हैं पेन स्टूडियोज वाले, सर जी ये हमने जो अभी ट्रेलर देखा इसकी एंडिंग में मेरे को शायद ही ऐसा लग रहा था कि कोई लैंग्वेज छूटी होगी इनसे, दस सारे लैंग्वेज 12 लैंग्वेज इसमें है, चाइनीज भी है, मलयाली भी है, ये भी है, वो भी, अरे कोई तो मेनू छोड़ दो, मराठी रहेगी सिर्फ आई थिंक सो यार। नहीं नहीं वो जरूरत ही नहीं, देखो मराठी ऑडियंस भी आई जाएगी, प्रमोशन अच्छा रहा ना सर, प्रमोशन पे खास ध्यान दो। चलिए अभी सेकंड ट्रेलर पे हम यही उम्मीद करेंगे कि थोड़ा और हमको देखने मिले, कुछ अच्छे डायलॉग्स होने चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो भी ये लोग दिखाने वाले जो नो इनका प्लॉट है वहाँ पे अगर तुम्हारे डायलॉग्स अच्छे रहे तो फिर पिक्चर चलती है इंडिया पाकिस्तान में, वो डायलॉग जैसे कि अनिल शर्मा ने ट्रेलर में ही दिखा दिया था कि क्या होने वाला है, बड़े मौके पे आया है, कटोरा लेके घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी, वो डायलॉग पे टिकट बिक गई थी अनिल शर्मा की, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी गैलेक्सी हाउसफुल हो गया था। तो उम्मीद है यही है यहाँ पे, ये डायलॉग अच्छा था जो गोलू ने भी बोल के दिखाया ये ट्रेलर वाला, यस यस, यू डोंट टीच योर फादर हाउ टू फायर द बॉक्स ऑफिस, नहीं यार सीधा बोल देते ना, क्यों घुमाना ऑडियंस को, पब्लिक पब्लिक सब जान, डोंट टीच हाउ टू फायर द बॉक्स ऑफिस ये बोलना चाहते हो, ठीक है। ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा है मुंबई के टू इडियट्स से, मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा है ट्रेलर, उम्मीद है आगे के आने वाले यूनिट्स और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेंगे, मजा आएगा, और प्रमोशन थोड़ा धमाकेदार करेंगे ये लोग हिंदी सर्किट से, क्योंकि मेन जो कलेक्शन आएगा वो इन लोगों को हिंदी सर्किट से आएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर जरूर हमको कमेंट्स में लिख के बताना, थैंक यू।